अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ 24 फरवरी को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उनके स्वागत की व्यापक तैयारी की जा रही है। हालांकि अहमदाबाद में ट्रंप दोपहर ही गुजारेंगे, मगर उनके स्वागत के लिए उन सभी रास्तों पर रंगीन रोशनियों का इंतजाम किया गया है जहां जहां से वह गुजरेंगे। आपको बता दें कि पंजाब के एक चित्रकार ने अपने हाथों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर बनाई है ताकि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। आगरा में यमुना के दिन भी फिरे हैं, यमुना के लिए पानी छोड़ा गया है। प्रस्तावित अहमदाबाद यात्रा पर बढ़ चढ़कर दावा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जमकर ट्रोल किया गया है। ट्रंप ने यहां पत्रकारों से बातचीत में दावा किया है कि पीएम मोदी ने उन्हें बताया है कि अहमदाबाद में 70 लाख लोग हवाई अड्डे से स्वागत स्थल तक उनके स्वागत में कतार बनाकर खड़े होंगे। यह खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल्स आंकड़े देकर ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। उनका कहना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अहमदाबाद की जनसंख्या 1 लाख है। हालांकि 2020 में इसके 86 लाख होने की अनुमान है, मगर यह संभव नहीं है कि अहमदाबाद की 80% आबादी स्वागत में कतार में खड़ी हो जाए। आप भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा। बट आई हैपन टू लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी अ लॉट एंड ही टोल्ड मी वी विल हैव 7 मिलियन पीपल बिटवीन द एयरपोर्ट एंड द इवेंट एंड द स्टेडियम। आई अंडरस्टैंड इट्स सॉर्ट ऑफ सेमी अंडर कंस्ट्रक्शन but it's going to be the largest stadium in the world, so it's going to be very exciting. But he says between the stadium and the airport we'll have about 7 million people, so it's going to be very exciting. I hope you all enjoy it. Are you going? मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के आसपास के इलाके भी भाग्य खुल गए हैं। इस सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में 24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम होगा। जिस रास्ते से दिन में राष्ट्रपति ट्रंप का काफिला गुजरेगा उस पर अहमदाबाद नगर निगम 1 करोड़ से ज्यादा की लागत की डेकोरेशन लाइट्स लगवा रहा है। निगम के विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार हम एयरपोर्ट से लेकर मोटेरा स्टेडियम के इंदिरा ब्रिज तक सजावटी लाइटें लगवा रहे हैं। इसके अलावा स्टेडियम से साबरमती आश्रम, चिमन भाई ब्रिज, सुभाष ब्रिज सर्किल में भी लाइट्स लगवाई गई हैं। गांधी आश्रम में लाइट्स के अलावा दोनों देशों के झंडे भी जगह जगह लगवाए गए हैं। ये सभी लाइट्स पर 1 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25 फरवरी को रक्षा तथा व्यापार समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने बुधवार को यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत की यात्रा पर आएगा। विदेश सचिव ने बताया कि मोदी ट्रंप के लिए दोपहर भोज की मेजबानी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रंप के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। अमेरिका व्यापार सौदे को अंतिम रूप देने को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं चाहते हैं। दोनों देश दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए निर्णय करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान कुछ रक्षा सौदे हो सकते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।